Right. Before vacations, like we were discussing acid, base and salt. In this chapter, we were discussing about the acids. Let's give a quick review of acids. Like what are acids? We had done the activity also. मैंने आपको activities भी करके दिखाई थी. What are acids? अब इसमें one activity is there. वो मैं आपको दोबारा after completion of this, we will do it. हाइड्रोजन गैस रिलीज करके दिखा देंगे, दैट आई विल शो यू. ठीक है जी. व्हाट आर एसिड्स? एसिड्स हैं क्या? ठीक है, एसिड्स में आपने करा था कि एसिड्स आर लाइक सार इन नेचर. ठीक है, एसिड्स आर सार इन नेचर. एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, ए बी आर. एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, राइट? देन बट वी हैड डिस्कस एसिड कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. पहला हमने करा था दीज आर सार इन नेचर. एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. वाई दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द फ्री आयंस. कौन कौन से एसिड हमारे पास मेनली होते हैं? एच सी एल, एच टू एस ओ फोर, एच एन ओ थ्री, राइट? ये हमारे पास मेनली तीन एसिड्स ये होते हैं. इसके बाद एसिटिक एसिड भी होता है. दीज आर मिनरल एसिड्स बिकॉज ये स्ट्रॉन्ग है. अच्छा, इन सब में हमारे पास कॉमन क्या है? हाइड्रोजन आयंस. इन सब में हमारे पास हाइड्रोजन आयंस रिलीज होंगे व्हेन वी विल पास द करंट, राइट? सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द फ्री आयंस दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द फ्री आयंस दे कैन कंडक्ट electricity. Points clear? These are just a roughly idea of all these ki acids kya kya karte hain. Acids are sare nature, blue litmus to red, conduct electricity because of presence of the free ions. Uske baad humne chemical properties kari thi ki when acids react with metal, कोई भी एसिड ले लो, HCl, मेटल ले लिया Na, राइट? मेटल ले लिया हमने Na, what will happen? NaCl plus hydrogen gas, that means salt plus hydrogen is formed. ये आपने लर्न रखना है कि जब भी हम किसी मेटल को और एसिड को रिएक्ट करते हैं हमारे पास हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, विच इज हैविंग अ पॉपिंग साउंड. उसका कंफर्मेटरी टेस्ट है, मींस हाउ वी विल कम टू नो हाइड्रोजन गैस इज रिलीज. हम उसके पास बर्निंग मैच स्टिक लेके जाते हैं एंड इट प्रोड्यूस पॉपिंग साउंड, राइट? आई विल शो दिस एक्टिविटी टू यू. ठीक है, मैंने लास्ट टाइम भी करवाई थी. तो हाइड्रोजन गैस प्रॉपर वहां पे साउंड प्रोड्यूस होती है, जो बच्चों ने देख सुनी भी थी, राइट? HCl, एनी एसिड रिएक्ट विद द एनी मेटल रिएक्ट विद एन एसिड, इट विल प्रोड्यूस द हाइड्रोजन गैस, राइट? फॉर दिस थिंग द वन एक्टिविटी गिवन इन योर बुक, आपकी बुक में एक एक्टिविटी गिवन है. उन्होंने जिंक लिया है, जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करा उन्होंने, ठीक है? एंड आफ्टर दैट what will be formed? Zinc sulfate plus hydrogen gas. ठीक है बच्चे, ठीक है. Okay. Next property, when acids react with metal carbonate. When acids react with metal carbonate. बच्चे ये चीज क्लियर हो गई ना? एसिड और मेटल, हाइड्रोजन गैस, एसिड्स रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मतलब बाइकार्बोनेट. मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, सो व्हाट विल फॉर्म? लुक हियर, मैंने पिछली बार भी बताया था एसिड HCl, राइट? एसिड आपने ले लिया HCl, मेटल कार्बोनेट, मेटल इज Na,
CO3, है ना। मैंने आपको पिछली बार भी ये चीज बताई थी, आई टोल्ड यू कि व्हेन हाइड्रोजन कार्बन एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट ऑन द रिएक्टेंट साइड ऑलवेज इन द प्रोडक्ट साइड वॉटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म। हेयर इज NaCl प्लस H2O प्लस CO2, ठीक है। उसी तरह से HCl प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट ले लेते हैं NaHCO3, देन इट विल फॉर्म अगेन सॉल्ट प्लस वॉटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इज इट क्लियर बेटे, इज इट क्लियर? दिस रिएक्शन इज क्लियर टू एवरीवन? और एनी डाउट्स टू एनीवन, देन यू कैन आस्क। When metals react with acid, hydrogen gas is produced. When carbonates react with acid, carbon dioxide gas is produced. Right? जब हम इस carbon dioxide को lime water से pass करते हैं, it turns lime water milky. कैसे? ये देखो, calcium hydroxide, that is lime water, carbon dioxide is passed, it will form CaCO3 plus water. That turns lime water milky. ठीक है बच्चे, ये पॉइंट क्लियर है? क्लियर है बेटा? नेक्स्ट इज एसिड्स रिएक्ट विद द बेसिस। एसिड्स रिएक्ट विद द बेसिस। नेक्स्ट इज एसिड्स react with bases, they will form salt plus water, that is HCl, base is sodium hydroxide, it will form NaCl plus H2O, and this reaction is called neutralization reaction. This reaction is called neutralization reaction. Neutralization reaction, right? You observe this reaction in your daily life also. Sometime आप देखा आपने कि जब आप बहुत spicy food खाते हो तो आपकी body के अंदर like acidity हो जाती है, right? तो acidity हो जाती है at that time. What we used to take Eno, we can take the baking soda, ठीक है, हम उसमें Jellocil, all these all substances when we will take it, तो वो क्या करते हैं, एसिडिक को न्यूट्रल कर देते हैं एंड सॉल्ट एंड वॉटर फॉर्म करते हैं। दिस इज कॉल्ड द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। When anyone is suffering from the acidity problem after overeating, then we can suggest taking baking soda as a remedy. This is the remedy for the acidity, because it will neutralize the effect of the acid. Is it clear? Then the next property, when acids react with metal oxides, what it will form? Acid kya hai? HCl, right? Metal oxide, kaun sa metal oxide loge? Copper le lo, copper oxide, zinc oxide, copper oxide, what it will form? CuCl2 plus H2O. Salt plus water. हमारे पास salt, हम salt word किसको use कर रहे हैं? Salt is not only NaCl, ठीक है? जितने भी chlorides के साथ बनते हैं, sulfides के साथ बनते हैं, these all are called the salts. ठीक है बेटा? ठीक है? Last property, acids are corrosive in nature. Means if they will put it on our skin, so definitely ये क्या करेंगे? Acids जो हैं वो हमारी skin को खराब करेंगे. Acids are corrosive in nature. उसके बाद हमने करा था कि जो acids हैं हमारे पास, मैंने ये starting में ये पहले properties करवाई है. उसके बाद हम लोगों ने एक और topic करा हुआ था इसमें कि acids are strong as well as the base. मैंने पहले भी बताया था दो तरह से होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, राइट,
एंड वीक एसिड्स, राइट। स्ट्रॉन्ग एसिड्स को हम मिनरल एसिड्स भी बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर ऑल्सो कॉल्ड मिनरल एसिड्स, वीक एसिड्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड्स, राइट। स्ट्रॉन्ग एसिड, मिनरल एसिड, जो हमें मिनरल्स मिलते हैं मतलब अर्थ क्रस्ट में से मिलते हैं, HCl, H2SO4, HNO3, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ठीक है। हम इनको स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्यों बोलते हैं, मतलब आप ये कह सकते हो ऑल द मिनरल एसिड्स आर द स्ट्रॉन्ग एसिड्स, ठीक है। सिर्फ एक मिनरल एसिड है कार्बोनिक एसिड, इस केस में इफ वी आर टॉकिंग अबाउट मिनरल एसिड्स दैट वी विल गेट इट फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट, जिसमें हमारे पास ये तीनों एसिड आते हैं, राइट। इसमें एक ऐसा एसिड है दैट इज कार्बोनिक एसिड, ठीक है, कार्बोनिक एसिड, और वी कैन से, सॉरी कार्बोनिक कह रही हूं, क्या कहते हैं, एसिटिक एसिड, ठीक है, ठीक है बच्चे, नहीं पहले रुको रुको, कार्बोनिक एसिड लिख लो यहां पे एक्सेप्शन, कार्बोनिक एसिड इज एक्सेप्शन, कार्बोनिक एसिड इज एक्सेप्शन, ये हमारे पास वीक एसिड है, ये हमें मिलता जमीन में से है, बट दिस इज अ वीक एसिड, कार्बोनिक एसिड इज अ वीक एसिड, ठीक है। ये हमें एरिएटेड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स में मिलता है कार्बोनिक एसिड, ओके बेटे, ठीक है जी, इज इट क्लियर। द एसिड्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल्स ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड द मिनरल एसिड्स, दीज आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स ऑल्सो, दीज आर कॉल्ड द स्ट्रॉन्ग एसिड्स, ठीक है, बिकॉज कंसेंट्रेटेड मिनरल एसिड्स होते हैं, दीज आर डेंजरस, राइट, दे कैन बर्न आर हैंड्स एंड द क्लोथ्स, ठीक है। तो ऑल दीज पॉइंट्स यू कैन राइट, इफ द डिफरेंस विल कम स्ट्रॉन्ग एसिड एज वेल एज द वीक एसिड, तो यू कैन राइट डाउन द नंबर ऑफ द पॉइंट्स, कि स्ट्रॉन्ग एसिड जो हैं दीज आर फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड मिनरल एसिड्स, दीज आर डेंजरस फॉर आर स्किन, राइट, दीज आर हैविंग द हाई कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस, लाइक ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग है, एंड एक्सेप्शन है यहाँ पे कार्बोनिक एसिड, ठीक है बेटा। अब व्हाट इज द वीक एसिड और द ऑर्गेनिक एसिड, द एसिड दैट इज प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, द एसिड दैट वी गेट इट फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, दिस इज कॉल्ड द वीक एसिड्स। वीक एसिड्स हमारे पास कौन कौन से हैं, जो हमें प्लांट्स से मिलते हैं या एनिमल्स से, वीक एसिड्स, the acids that we get it from plants and animals, these are called weak acids, clear hai, these are also called organic acids, kon kon se strong acid bitte bata do, haan ji beta, strong acid bitte bata do mam ek bar, strong acid dobara, okay, strong acid, chalo main dono mein difference hi kar deti hu, weak acid, strong acid, ठीक है, दीज वी विल गेट इट फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है, दीज वी विल गेट इन अंडर द अर्थ लाइक मिनरल्स, राइट। वीक एसिड्स आर ऑल्सो कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड्स एंड दीज आर कॉल्ड मिनरल एसिड्स बिकॉज ये अर्थ में मिलते हैं हमें। Then another point we can write ki strong weak acids jo hain these are not dangerous, whereas the strong acids these are dangerous, theek hai, we can taste these acids, we cannot, right, example ethanoic acid, सिट्रिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, इमली में टार्ट्रिक एसिड होता है, राइट, सिट्रिक एसिड खट्टे फ्रूट्स में होता है, ठीक है, जैसे लेमन हो गया, ऑरेंज है, दैट इज हैविंग अ सिट्रिक,
लैक्टिक एसिड दैट इज प्रेजेंट इन मिल्क, राइट, इथेनोइक एसिड और एसेटिक एसिड दैट इज प्रेजेंट इन विनेगर, जो आप सिरके वाला प्याज लेते हो उसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट है, एसेटिक एसिड और इथेनोइक एसिड, ठीक है बेटे, ओके। अब इसी में एक छोटा सा टॉपिक और था, कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड। व्हाट डू यू मीन बाय द कंसंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड, हम किसको बोलते हैं कंसंट्रेटेड एसिड और किसको बोलते हैं डाइल्यूट एसिड, इसमें से एक क्वेश्चन पेपर में बार बार आता होता है, कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट। कंसंट्रेटेड एसिड्स किसको बोलते हैं हम और डाइल्यूट एसिड्स हम किसको बोलते हैं। कंसंट्रेटेड एसिड इज दैट एसिड वन विच कंटेन्स द मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर, उसको हम बोलते हैं कंसंट्रेटेड एसिड, जिसमें पानी कम है, मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर। अमाउंट ऑफ वाटर, इसमें पानी कम है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर। उसको हम बोलते हैं डाइल्यूट एसिड्स, उसको हम बोलते हैं डाइल्यूट एसिड्स, ठीक है जी। हम कंसंट्रेटेड एसिड्स किनको बोलते हैं, जिसके अंदर पानी बहुत कम होता है उसको हम बोलते हैं कंसंट्रेटेड एसिड, और डाइल्यूट एसिड्स हम किसको बोलते हैं, जिसके अंदर पानी की अमाउंट जो है, पानी का जो कंटेंट है वो बहुत ज्यादा होता है, उसको हम बोलते हैं डाइल्यूट एसिड। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन पेपर में आता होता है, हाउ वी कैन मेक द सोल्यूशन डाइल्यूट, हाउ वी कैन कन्वर्ट द सोल्यूशन, मतलब कंसंट्रेटेड सोल्यूशन को डाइल्यूट कैसे बनाए, हाउ वी कैन मेक इट, उस पर आपके पास क्वेश्चन आता होता है। दो तरीकों से क्वेश्चन आता है, दे विल आस्क यू कि वाइल डिल्यूटिंग द एसिड व्हाट यू विल यूज, वाइल डिल्यूटिंग द एसिड व्हाट यू विल डू, यू विल ऐड द वाटर टू एन एसिड और एसिड टू एन वाटर, एनीवन नोज आंसर, हां जी बिसम अनम्यूट करो, फॉर डिल्यूटिंग ऐड द वाटर, मेहुल एसिड टू वॉटर, वाई इज देर एनी स्पेसिफिक रीजन टू एड एसिड टू वॉटर, यस दक्षिता मैम, डाइल्यूट एसिड में पहले से मैक्सिमम अमाउंट का वॉटर है इसलिए एसिड एड करेंगे, वेट, यस अमृत, व्हाट वी विल डू, एसिड टू वॉटर, वाई वाटर की हीटिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है, वाटर की क्या होती है, हीटिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है मैम, ओके, यस तानिया, ऑब्जर्व करने की, वेट, यस तानिया, मैम बिकॉज़ मैम हम एसिड डालेंगे वाटर में, क्योंकि मैम जो वाटर होता है मैम वो अगर हीट भी हो गया तो इतना वो नहीं होगा, और एसिड ऑलरेडी बहुत ज्यादा हीटेड होता है तो वो स्प्लैशेस पड़ सकते हैं। आपने ऑल ऑफ यू हैड सीन, माइट भी किसी ने देखा हो घर में, जब हम एसिड यूज करते हैं जो फ्लोर के लिए आता है, अगर आपने देखा हो कि व्हेन यू आर यूजिंग द डायरेक्ट ऑन द फ्लोर तो वो फ्लोर को भी करोड कर देता है, मीन्स यहाँ पे हम लिखेंगे कि व्हाइल डाइल्यूटिंग एन एसिड वी हैव टू एड एसिड टू द वॉटर, क्यों, रीजन लिखेंगे फॉर प्रिपेयरिंग द डाइल्यूट एसिड, हमने यहाँ पे देना है कि व्हेन कंसंट्रेटेड एसिड जो है उसमें हम सॉरी उसको डाइल्यूट करना है तो वी विल ऐड द एसिड टू द वाटर बिकॉज हीट इज इवॉल्व्ड ग्रेजुअली, हीट इज इवॉल्व्ड एंड इट इजिली एब्जॉर्ब्ड बाय द लार्ज अमाउंट ऑफ द वाटर, ये रीजन वहां पे लिखना है कि व्हाइल डाइल्यूटिंग एन एसिड व्हाई एसिड इज एडेड टू द वाटर, because when we are adding heat is evolved and it is absorbed by the large amount of water, it is absorbed by the large amount of water, ठीक है। अगर हम पानी डाल देते हैं एसिड के अंदर तो क्या होता है,
देन हीट जो इवॉल्व होगी उसमें क्या होगा कि जो एकदम से मतलब जो एज यू आर एडिंग द वॉटर टू एन एसिड इट स्प्लैश आउट वो एकदम से बाहर आएगी और आपके ऊपर गिरेगी. इज इट क्लियर बेटे? ठीक है. इफ वी एडेड कंसंट्रेटेड एसिड ठीक है टू डिल्यूट करने के लिए देन लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व्ड एट वंस दिस चेंजेस सम ऑफ द वॉटर टू द स्टीम एंड एक्सप्लोसिवली इट स्प्लैश आउट. मेरी बात समझ आई है? बात समझ आई? दोनों तरह से क्वेश्चन आ सकता है. दे कैन आस्क यू हाउ यू विल डिल्यूट या दे कैन आस्क कि व्हेन वी आर एडिंग द एसिड टू द वॉटर इट स्प्लैशेस आउट व्हाई. तो आपका रीजन क्या होगा कि अगर हमने एसिड डाला सॉरी एसिड के बीच में पानी डाला तो वहां पे क्या होता है हीट जो है दैट चेंजेस द वॉटर इंटू स्टीम. वो स्प्लैश क्यों करता है वो बाहर क्यों आता है क्योंकि जैसे ही आपने उसमें डाला वो इतना एसिड कंसेंट्रेटेड एसिड है वो ऑलरेडी कंसेंट्रेटेड है उसमें से जब हीट निकलेगी वो पानी को कन्वर्ट कर देती है स्टीम में स्टीम एक्सप्लोसिवली विच कैन स्प्लैश आउट क्योंकि एकदम से बाहर आती है और हमारे फेस और क्लोथ पे पड़ती है. सो द बेस्ट वे टू डल्यूट एन एसिड एडिंग द एसिड टू द वॉटर. इज दिस पॉइंट क्लियर कि वो स्प्लैश क्यों करती है? क्लियर है बेटे? ये क्वेश्चन बहुत बार आता है पेपर में. पॉइंट क्लियर है कि क्यों एसिड एकदम से स्प्लैश करता है क्योंकि जो पानी बीच में प्रेजेंट है लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर इज प्रेजेंट. तो जो पानी बीच में आपने हल एक ड्रॉप डाली एसिड ज्यादा है एक दो ड्रॉप पानी डाला व्हाट विल हैपन दैट वाटर चेंजेस एब्जॉर्ब द हीट एनर्जी और वो क्या करेगा स्टीम की फॉर्म में बाहर उछल जाएगा. दैट्स व्हाई इट स्प्लैशेस आउट. इसीलिए हम एसिड को पानी में डालते हैं पानी ज्यादा एसिड कम पानी सारी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करना. इज दिस पॉइंट क्लियर बेटे? क्रैमिंग वाली चीज मत करना. एनी डाउट यू कैन आस्क. ठीक है बच्चा? देन इफ दिस टॉपिक इज क्लियर देन वी विल मूव फर्दर. ठीक है. यहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज द कॉमन इन ऑल एसिड्स. वो भी मैंने आपको बता दिया कि उसमें हमारे पास क्या होगा हाइड्रोजन आयंस. ठीक है. स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड में हम ये भी कह सकते हैं एक पॉइंट लिख सकते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स है दे कैन डिसोसिएट कम्प्लीटली. उसमें जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं दे डिसोसिएट कम्प्लीटली वो बहुत जल्दी टूट जाते हैं. जैसे अगर मैंने HCl को डिसोसिएट किया तो हाइड्रोजन आयंस रिलीज हो जाते हैं. HCl इट डिसोसिएट इनटू हाइड्रोजन एंड क्लोराइड आयंस. ठीक है. कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं. इज इट क्लियर बेटे? सिमिलरली सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड्स आर आल्सो स्ट्रॉन्ग एसिड्स बिकॉज दे कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू फ्री आयंस. ठीक है. वीक एसिड्स दे डू नॉट डिसोसिएट कंप्लीटली पार्शली डिसोसिएट होते हैं. जैसे अगर हम बात करें एसिटिक एसिड की बात करूं अगर मैं CH3COOH इसका फार्मूला होता है तो इसमें जब ये होता है ये पार्शली और ये रिवर्सिबल है. दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल. ये CH3COO आयंस प्लस आयंस तो इसमें क्या होता है रिवर्सिबल मींस इमीडिएटली वापस भी आ सकती है तो जिसकी वजह से ये पार्शली डिसोसिएट होते हैं. ठीक है बेटे? Now, what are the uses of acids? Can you tell me the uses of acids? Hanji. Anyone? Yes, bolo Bisam. To conduct electricity and to use in laboratory. Use in conduct electricity aur kya keh rahe ho? And used in laboratory, right? This is the basic points that we can write in everywhere. Like acids ka gaya, so we can write ki these are used as a raw material in the labs. Yeah, used in labs. Okay. Or any other points?
अगर मैं बात करूं हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl कहाँ यूज होता है, मिनरल एसिड्स की बात कर रही हूँ मैं, पहले मिनरल एसिड फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, ओके कार बैटरीज बेटी, टेक द रियल एग्जांपल जो आपके आसपास है, कार बैटरीज में ढूंढने मत जाया करो कि हम बुकिश नॉलेज ले कि व्हाट इज गिवन इन द बुक, जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट एवर इज इन योर सराउंडिंग, कहाँ देखा आपने HCl को यूज करते, दैट इज यूज इन द कार बैटरीज, ठीक है, हमारे जो पहले इन्वर्टर्स होते थे वहां पे भी हम एसिड यूज करते थे, इन कार बैटरीज इट इज यूज्ड, राइट, इन डिटर्जेंट्स इट इज यूज्ड, ठीक है, उसमें भी डाला जाता है, प्लास्टिक्स में यूज होता है, बट कार बैटरी इज द रियल एग्जांपल, देन नाइट्रिक एसिड HNO3, कहां आपने नाइट्रिक, नाइट्रिक वर्ड सुनते हो, दैट इज यूज्ड टू मेक फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स, वेरी गुड, मीन्स मुश्किल एग्जाम्पल से पहले ट्राई टू फाइंड आउट वट एवर इज इन योर सराउंडिंग दैट इज यूज टू मेक द फर्टिलाइजर्स, नाइट्रिक एसिड जो है दैट इज यूज फॉर मेकिंग एक्सप्लोजिव्स, देन जो आप कह लो कि दीज आर द एसिड दैट वी कैन यूज इन आर डेली लाइफ, ठीक है बेटे, ओके है, चले आगे, एनी डाउट, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो, तो फिर हमने तो बेस स्टार्ट कर, राइट, लेट्स स्टार्ट विद द बेसिस, बेसिस हमारे पास पहले हैं कौन कौन से, NaOH, KOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मींस हाइड्रोक्साइड, सो व्हाट इज बेस, हम बेस किसको बोलते हैं, व्हाट इज बेस, बेसिस आर द सब्सटेंसेस, ये जो हमारे पास हैं, अब इनको हम किसको बोलते हैं कि ये हमारे पास प्रेजेंस ऑफ द हाइड्रोक्सिल आयंस, ठीक है, केमिकल सब्सटेंस विच कैन न्यूट्रलाइज ऑल एसिड्स, वी कैन से, हम जनरल अगर लैंग्वेज में बोले तो वी कैन से कि बेस इज अ केमिकल सब्सटेंस विच न्यूट्रलाइज एन एसिड, उसको भी हम बेस बोलते हैं, राइट, बेसिस आर लाइक कि हम बेस किसको कह सकते हैं, दीज आर बिटर इन टेस्ट, सोपी टू टच, राइट, दीज आर द बेसिस, हम इनको बेसिस कह लेंगे.